नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर ज्ञान केंद्र चैनल पर। और आज की वीडियो में बात करने वाले डीसीए सेकंड सेम के अंतर्गत डीटीपी सब्जेक्ट के बारे में। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन, और मुख्य रूप से इस सब्जेक्ट के अंतर्गत दो सॉफ्टवेयर फोटोशॉप और पेज मेकर, इन दोनों के बारे में डिटेल बताई गई है। यहां पर 5 यूनिट डिवाइड होती है। 5 यूनिट में से जो पहली यूनिट है वो आपकी डीटीपी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या है। यूनिट 1 के जो प्रश्न आते हैं, सबसे पहले देखिए दिखा है प्रिंटिंग में डीटीपी का क्या महत्व है, ऑफसेट प्रिंटिंग का उपयुक्त उदाहरण सहित विस्तृत विवरण करें। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक आता है वो ऑफसेट प्रिंटिंग से रिलेटेड है 100%। ये जो प्रश्न है ये इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार कई सालों से हर पेपर में ये जो प्रश्न है, ये जो वर्ड है ऑफसेट प्रिंटिंग, ये आता ही आता है। तो आपको डीटीपी के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और उसमें से ऑफसेट प्रिंटिंग खास तौर पर क्या होती है, उसकी डिटेल जरूर पढ़ के जाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन अथवा में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करना है डीटीपी और ऑफसेट प्रिंटिंग, और बी में है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर डीटीपी। अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट सेकेंड में देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है पेज मेकर में पेज लेआउट किस तरह बनाया जाता है, एक लेआउट सहित समझाइए। सेकेंड यूनिट में यहां पर पेज मेकर स्टार्ट हो गया आपका। अथवा में देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लेन करना है आपको पेज साइज और ओरिएंटेशन को, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन को, ऑटो फ्लो ऑप्शन को, और कॉलम एंड गटर्स को। ये चारों पेज मेकर के अंतर्गत के ऑप्शन है, ठीक है। ये था यूनिट सेकेंड से। यूनिट थर्ड की बात करें तो ये भी पेज मेकर से रिलेटेड ही है। डिस्क्राइब हाउ पेज मेकर इज यूजफुल एज अ पेज डिजाइनिंग एंड लेआउटिंग सॉफ्टवेयर फॉर न्यूज़पेपर। अखबारों की पेज डिजाइनिंग और लेआउटिंग के लिए पेज मेकर कितनी उपयोगी है, ये वर्णन करना है। अथवा में दिया गया है, देखिए ऑप्शन यहां पर टिप्पणी लिखो, स्टोरी एडिटर, मैगजीन पेज लेआउट, हेडर एंड फुटर और मास्टर पेज। तो ओवरऑल यूनिट 1 जो है वो प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, डीटीपी से रिलेटेड है। सेकेंड और थर्ड यूनिट की बात करें तो ये आपका पेज मेकर से रिलेटेड है। अब आगे चल के यूनिट 4th और 5th की बात करेंगे तो ये दोनों यूनिट आपकी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। जैसे पहला प्रश्न है यूनिट 4th का, व्हाट इज फोटोशॉप, फोटोशॉप क्या है, इसकी विशेषता और कार्य क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है एक्सप्लेन करना है वेक्टर इमेज, रास्टर इमेज, कलर मोड्स और पिक्सल को, ठीक है। यूनिट 5th में देखिए क्या है, एडोब फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, अपना मत विस्तृत रूप में लिखिए। मतलब आपको ओवरऑल जो फोटोशॉप है उसके बारे में, आपको उसकी महत्वता के बारे में, डिजाइन यहां पर जो है कैसे आप एडिटिंग कर सकते हो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। 16 नंबर का यहां पर देखिए क्वेश्चन है, आप डिटेल यहां पर बता सकते हो। चाहो तो उसके टूल्स बना लो, चाहो तो उसका स्ट्रक्चर बना के समझा दो, टूल्स को एक्सप्लेन कर दो, वो सारी चीजें भी आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो। अथवा में यहां पर क्वेश्चन दिया है आपको विस्तार में समझाना फोटोशॉप में लेयर प्रभाव क्या होता है, फोटोशॉप में फिल्टर्स का उपयोग क्या होता है, सिलेक्शन टूल क्या होता है और पैलेट्स क्या होते हैं। तो यहां पर ओवरऑल जो डीटीपी सब्जेक्ट है उसमें से जो पांचों यूनिट है उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट जो है वो डीटीपी और प्रिंटिंग से रिलेटेड है, सेकेंड थर्ड पेज मेकर, और फोर्थ और फिफ्थ फोटोशॉप से रिलेटेड है। तो अगर आपका डीटीपी सब्जेक्ट है और इसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस की तैयारी को खास तौर पर जरूर करिएगा।